हे गाइस, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका माय लाइफ माय एक्सपीरियंस में। आज का वीडियो है मदर्स डे स्पेशल और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने खेले हैं कुछ गेम्स कुछ मॉम्स के साथ में। कुछ न्यू मॉम्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड मॉम्स हैं, उनके जो परफॉर्मेंस है वो काफी फनी, एंटरटेनिंग, इमोशनल सब कुछ है, तो बहुत मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट जरूर कीजिए ताकि वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाए। कंडीशंस का ध्यान रखना है कि आपको मेरे सब्सक्राइबर होना जरूरी है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में और जिनको मिलेंगे ज्यादा वोट वो जीत जाएंगे और उनको मिलेगा मदर्स डे स्पेशल सरप्राइज मेरी तरफ से। फर्स्ट गेम मैंने खेला है न्यू मॉम्स के साथ जिसमें मेरे पास दो कंटेस्टेंट्स हैं और गेम का नाम है दिस और दैट, यानी कि एक क्वेश्चन पूछूंगी उनसे और उनके दो ऑप्शंस उनको दूंगी, उन दोनों में से उनको चूज करना है, फिर चाहे दोनों ऑप्शंस उनको पसंद हो या नहीं हो लेकिन उनको एक ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से आंसर दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो ऑन स्पॉट मैंने पूछे, उनको पहले से कुछ भी नहीं बता रखा था, तो काफी मजेदार हुआ जब उन्होंने आंसर दिया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कंटेस्टेंट से मिलवा देती हूँ और फिर गेम स्टार्ट करते हैं। मदर्स डे और वुमेन्स डे? वुमेन्स डे। ब्लू और पिंक? ब्लू। ओके, ब्लू क्यों? ब्लू क्यों? बिकॉज आई हैव माय बेबी बॉय, दैट्स व्हाई आई लव ब्लू। आपको गिव अप करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, वो एक चीज छोड़नी है, पानी पूरी और चाय कॉफी कुछ। ठीक, डेफिनेटली चाय कॉफी, वो मैं तभी नहीं पीती। पीसफुल टाइम स्पेंड करना है आपको मिल रहा है, आप उस पीसफुली आप नहाना चाहेंगे या पीसफुली आप शॉपिंग करना चाहेंगे? शॉपिंग, क्योंकि आप बेबी के साथ इसलिए पीसफुल टाइम बहुत कम मिल पाता है। शॉपिंग डेफिनेटली विदाउट एनी सिंगल थॉट। ओके चलो, क्लीन अप द पूप और क्लीन अप द प्यूब, बॉडी क्लीन करना है या फिर वॉमिट? ऑफ कोर्स वॉमिट। ओके, स्टेप इन अ लेगो और स्टेप इन अ पी, यानी कि बच्चे जो जंबल टॉय बनाते हैं उसको आप उसके ऊपर पैर के जाना चाहोगे या टॉयलेट के ऊपर से? ऑफकोर्स जंबल जो बनाएंगे, मतलब अपने बच्चे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैंने से वो टॉय बनाएगा उसके ऊपर चढ़ के चले जाओगे? मैं आराम से चली जाऊंगी, मेरे को कोई इशू नहीं है। स्लीप इन और टेक अ नैप, यानी कि स्लीप इन? नो, सुबह देर तक सोना चाहोगी? यस डेफिनेटली। आप अपने बेबी का जूठा पानी पीना चाहोगे या जूठा खाना? खाना मीन्स जूठा, मतलब जब बच्चा पानी पीता है तो थोड़ा सा बैक वॉश आता है उसका, और जब वो खाना खाता है तो भी आधा मुंह से निकालता है आधा खाता है। दोनों बन दो, यू हैव टू चूज वन। वाटर है कि आपको रात में 12 बजे पता चले कि आपका बेबी ने पूरे बिस्तर में शुशु करके गीला कर दिया है, या फिर आप उसका डायपर चेंज कर रहे हो और एक्सीडेंटली वो पूप या पी कर दे, तो दो में से कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है? ऑफ कोर्स डायपर, बिस्तर पे करने पर लाइक आई चेंज फुल बेडशीट एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके बच्चे की वॉइस कैसी होनी चाहिए? आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आपके पास मिक्की माउस के जैसा या फिर डोनाल्ड डक के जैसा? मिक्की माउस, रेस्ट एंड वॉचमेंट का जो इशू होता है मदर्स के लिए, वो इशू आप फेस करना चाहोगे या फिर ऑयली हेयर्स आप 2 वीक्स तक रखना चाहोगे? ऑयली हेयर्स 2 वीक, फॉर 2 वीक। तो आप नहलाना पसंद करोगे या उसको खाना खिलाना आपके लिए? बेबी बाकी वो गिराएंगे नहीं खाएंगे, सो मेरी बट बाती इज लाइक देर एंजॉइंग। दो ऑप्शन है आपके पास, आपको वीकेंड मिलेगा एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, नो बेबी और किसी भी तरह का कोई टास्क नहीं है, या फिर आपको डायमंड रिंग मिलेगी? रिलैक्स। ओह माय गॉड, डायमंड रिंग एंड आई हैव सो मेनी बट आई वांट रिलैक्स टाइम। ओके गाइस, तो ये था हमारा दिस और दैट विद प्रज्ञा त्रिपाठी मिश्रा और काफी इंटरेस्टिंग आंसर्स दिए और काफी ऑनेस्ट आंसर दिए, और सबसे ऑनेस्ट आंसर जो मुझे लगा वो था कि उन्हें डायमंड रिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए रिलैक्स, जो सच में एक मदर के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। मुझे तो काफी मजा आया इनके साथ प्ले करने में, और अब आपकी बारी है कि आपको अगर इनका परफॉर्मेंस पसंद आया, एंटरटेनिंग लगा, तो आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके इनको वोट कर सकते हो और इनको जिता सकते हो। प्लीज वोट मी। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट निशा गुर्जर के साथ में अपना गेम खेलते हैं दिस और दैट, और देखते हैं कि वो कितना इंटरेस्टिंग आंसर्स दे पाती हैं। तो निशा, आर यू रेडी? तो चलिए आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, आपको फटाफट आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लू और पिंक? मदर्स डे और वुमेन्स डे? मदर्स डे। ओके क्यों? क्योंकि मदर्स डे का वीडियो बन रहा है। ओके, हाँ।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको गिव अप करना है पानी पूरी या फिर चाय कॉफी? चाय कॉफी। देखिए आपको शांति से कुछ टाइम मिल रहा है 2 घंटे का समझ लीजिए, तो आप उस शांति से नहाना पसंद करेंगे या शांति से शॉपिंग करना पसंद करेंगे? शॉपिंग। सो ऑब्वियस। बट मैंने ऐसा सोचा था कि शायद लोग ऐसा चूज करेंगे कि मैं शांति से नहाना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब हम नहाने जाते हैं तभी हमारे बच्चों को सारी इमरजेंसी आ रही होती है, तो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। बट ये भी ऑब्वियस है कि शॉपिंग करना किसको पसंद नहीं है, वॉमिट या पॉटी बेबी के, आप कौन सी चीज को चूज करेंगे? मैं पॉटी साफ करना पसंद करूंगी। वेरी ब्रेव। स्टेप इन अ लेगो और स्टेप इन अ पी, बच्चे जो टॉय बनाते हैं जम्पल उसको लेगो बोलते हैं, तो आप उसके ऊपर रख के जाना चाहोगे पैर या फिर सुसु के रास्ते से होते हुए जाना चाहोगे? आपके पास दो ही रास्ते हैं, सुसु के ऊपर से जाऊंगी। स्लीप इन और टेक अ नैप। स्लीपिंग यानी कि आप देर तक सोना चाहेंगे सुबह, या फिर आप सोचेंगे कि जल्दी हो जाए और फिर दिन में एक नैप ले लेंगे? नहीं, लेट तक, सुबह लेट तक सोना पसंद करती हूँ और करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बेबी का जूठा पानी पीना चाहोगे या उसका जूठा खाना खाना चाहोगे? जूठा खाना। एक दो ऑप्शन है, मतलब पहला ऑप्शन ये है कि रात में 2 बजे आपको मालूम पड़े कि बच्चा जो है आपका उठ गया और सुसु करके उसने बिस्तर गीला कर दिया है, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जब उसका डायपर चेंज कर रहे हैं तब वो सुसु कर दे या एक्सीडेंटली पॉटी कर दे, तो आपको दोनों कंडीशंस में से कौन सा पसंद आएगा? मुझे डायपर वाला, डायपर चेंज पसंद करना। ओके, क्योंकि वॉइस जब बोलने लग जाएगा तो कैसा बोले, वो मिकी माउस के जैसा बोले या दोनों लड़के जैसा बोले? मिकी माउस। फर्स्ट ब्रेस्ट जो होती है आपको पता ही होगा पेनफुल ब्रेस्ट होती है ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, तो आप वो प्रॉब्लम 2 वीक तक फेस करना चाहेंगे या फिर ऑयली हेयर्स के साथ आप 2 वीक तक एडजस्ट करेंगे? ऑयली हेयर्स। और बेबी को नहलाना आपको ज्यादा इजी लगता है या फिर खाना खिलाना? नहलाना ज्यादा इजी लगता है क्योंकि वो भी एंजॉय करता है, मैं भी एंजॉय करती हूं। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको 2 दिन की छुट्टी मिल रही है रिलैक्स करने के लिए, कोई बेबी का काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, या फिर आपको एक टाइम मिल रही है? ऑब्वियसली रेस्ट करूंगी मैं। वेरी एक्सपेक्टेड आंसर बट वेरी सेक्रीफाइसिंग स्टिल्स। ये था दिस और दैट विद निशा गुर्जर, और हम लोगों को तो बहुत मजा आया ये गेम प्ले करने में। क्यों निशा, आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया। तो अगर आपको भी इतना ही मजा आया और आपको इनकी परफॉर्मेंस बहुत एंटरटेनिंग लगी तो आप इनको वोट कर सकते हैं बाई कॉमेंटिंग हर नेम इन द कॉमेंट सेक्शन, तो वोट कीजिए। तो दोस्तों अब बारी आ गई है सेकेंड गेम की, जो की मैंने खेले हैं मदर एक्सपीरियंस मॉम्स के साथ में, और उनके साथ खेलने वाली है उनकी बेटियां भी। उनके साथ मैंने खेला है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन उनसे भी पूछे हैं और उनकी बेटियों से भी पूछे हैं। पहले कंटेस्टेंट्स का इंट्रो करवा देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने फर्स्ट कंटेस्टेंट, अपने फर्स्ट पेयर से, जो कि है मिसेस वर्खा और उनकी 14 इयर्स ओल्ड डॉटर शगुन। तो हाय शगुन। हाय मिसेस वर्खा। तो आप लोग रेडी हैं गेम प्ले करने के लिए? yes, रूल्स तो सारे मैंने आपको समझा दिया है और आंसर्स भी ये लोग एकदम रैपिड फायर फॉर्म में देंगे इंस्टेंट, है ना? ठीक है। तो शगुन सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपकी मम्मी का कॉमन सा जो डायलॉग है जो आपको काफी फनी भी लगता है, कभी इरिटेटिंग भी लगता है। ओके, मम्मी का कॉमन है जब वो गुस्सा होती है तो कहेंगे कि जब हॉस्टल चली जाएगी मतलब हमेशा खुश ही रहूंगी। और आपको ऐसा लगता है कि जो ये बहुत ही इरिटेटिंग आपको लगता है जो ये बोलती है हमेशा हर वक्त, तुम मम्मी ये बड़बड़ जो करती हो ना, ये बड़बड़ जब मैं हॉस्टल चली जाऊंगी सब सेम लगा, बस सेम ऐसे बोलती है दोनों। आपको अपनी मम्मा के लिए एक ऐसी चीज बतानी है जो कि उनको हैप्पी करती हो, और एक ऐसी चीज बतानी है जो कि आपको लगता है कि ये ऐसा हो जाएगा तो वो सैड हो जाएंगी। हैप्पी तो जब मैं हैप्पी होती हूँ तो मम्मी ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगी। और सैड जब कोई गलत काम अगर मैं करूंगी, एग्जाम से चीटिंग या कुछ भी गंदा काम कर लेती हूँ। नॉट अ स्पेसिफिक। ओके, शगुन से रिलेटेड जो कि आपको लगता है कि इसको हैप्पी कर सकती है, और साथ में एक ऐसी चीज जो आपको लगता है जिससे उसका मूड ऑफ हो सकता है, वो सेंटली जो हो रहा है, खुशी कैसे होती है। हाँ। इसके 2 साल सामान बना लिया मम्मा ने, हैप्पी मतलब इसको रोज चाहिए। अगर ये आती है स्कूल से मम्मा क्या बनाए और देन जैसे 2 साल सामान, तो ये हैप्पी हो जाती है। और सेकेंडरी जो आज का इसका नया है, क्योंकि मम्मा अगर कभी गुस्सा हो गई मैं ऐसे ही, तो बोले इसको मनाने के लिए तू मेरे लिए हैरी पॉटर मम्मा मंगा दे, हैरी पॉटर की टी शर्ट, हैरी पॉटर की बुक्स, हैरी पॉटर की फैन है, तो मुझे वो करना पड़ता है। बट सैड होंगी खाने के, मेन प्रॉब्लम मेरा खाने की है काजू की, कि अगर ये खाना नहीं खाती या झूठ बोलना मतलब जो भी मैंने इसको मैंने सिखाया है वो नहीं करेगी, तो मुझे फील होता है, मैं इसको सिखाती हूँ आज भी। फिर आप गुस्सा हो जाते हो तो ये सैड हो जाते, तो ये सैड हो जाता है, मुझे मना के। बर्थ ईयर ऑफ काजूज बर्थ 2004। मम्मा इज बर्थ आई डोंट रिमेम्बर। ओके, याद करके बताना चाहोगे? 19
समथिंग। आपको लगता है कि आपकी मॉम फेमस हो सकती है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो फेमस हो सकती है? डांसिंग। ओके, मतलब वो डांस बहुत अच्छा करती है। कोई फेवरेट डांस आपको पता है जो आपको मतलब अच्छा लगता है मम्मी करती है? क्लासिकल डांस। वो जैसे कि हम मॉम्स का क्या रहता है कि जब पहले तो हम अपने लिए बहुत सोचते हैं कि जैसे बेबी हो जाता है तो उसके बाद कुछ भी लेना है करना है, तो सेकंड में हम खुद को रखते हैं, फर्स्ट में हमेशा बेबी के लिए सोचते हैं। लेकिन कभी आपको ऐसा चांस मिले कि आपको जो चाहिए उसके लिए फाइनेंस किया जाएगा, तो आप क्या वो चीज करना चाहेंगी, खरीदना चाहेंगी, कहीं जाना है, जो भी आपका मतलब ड्रीम है कि मैं ये चीज करना चाहती हूँ? तो मैं घूमना ही प्रेफर करूंगी। अच्छा, मतलब कोई ड्रीम प्लेस आपकी हो कि भाई मैं यहाँ जाना चाहती हूँ लेकिन अभी एक्ट्रेसिंग में नहीं जा सकती? हाँ, मैं यूएस में सिस्टर है उसके पास जाना चाहूंगी। हम दोनों का ये प्लान हो बेटी को लेकर भी। कि आज आप मम्मा हो तो आप काजू के लिए क्या वो स्पेशल चीज करना चाहोगे? स्पेशल चीज में ऐसी मम्मी और डॉटर्स के लिए ऐसी डे आउट टाइप। डे आउट करोगे, वेरी गुड। और आप अगर आप एक दिन काजू बन जाते हो यानी शगुन बन जाते हो एक दिन के लिए, तो आप अपनी मम्मा के लिए क्या करना चाहोगे? मम्मा को हमेशा खुश रखूंगी, मम्मा की बातें सुनूंगी, मम्मा के लिए अच्छे जो भी मतलब ऐसे ही मम्मा जो जैसे चाहती है पढ़ाई लागे जो भी करना अच्छे से मम्मी को हाँ अच्छे से ये सबसे पहले खाना खाऊंगी और मतलब अच्छे से मम्मी की सारी बातें सुनूंगी। लास्ट क्वेश्चन कि आपको अपनी मॉम के लिए अगर प्राउड है तो किस बात का प्राउड है? कि वो सेल्फलेस है मेरे लिए। वाओ, सो गुड, सो टचिंग आंसर आई कैन से। क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस मॉम है, इसलिए क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि बीइंग मदर आपके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होती है और सबसे हार्डेस्ट चीज क्या होती है कि ये मैं मॉम हूँ इसलिए मुझे करना है ये चीज? जैसे मेरी माँ होगी वो मुझे बहुत प्यार करती होगी और नहीं डोंट गेट इमोशनल मम्मी क्या रहती है तो मेरी माँ वो कि जैसे माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, ये तो सभी जानते हैं, झूठ है सभी करते हैं, बट माँ से ज्यादा। आज बच्चा आपका गलत भी कुछ कर रहा है अच्छा तो आप उसको पहले सिखाते हो कि आप ऐसे करो बेटा ऐसे ऐसे करके, और अगर आपका आप प्यार आप गुस्सा होते हो बहुत गुस्सा उसको दिखाओगे आप गुस्सा हो आप उसको प्यार नहीं करोगे ये नहीं बोलोगे, बट वो आप दिल से निकाल नहीं सकते। ये हार्ड है कि माँ आप अगर बच्चा गलत कर भी दिया है लेकिन प्यार नहीं कम होगा कभी भी आपका। मुझे मॉर्निंग से इवनिंग बात मत करना लेकिन फिर मेरे से इसको पता है मम्मा भी आएगी फिर मुझे किसी देगी बेडरूम में आएगी ऐसे करके, तो ये कि प्यार अपन वो नहीं कर सकते बच्चों से कभी भी प्यार ही करते रहेंगे। सेकंड ऑप्शन ही सबसे हार्डेस्ट थिंग है कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, हमें एक ही चीज करनी है। और सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगती है इस रिलेशनशिप में? वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एक तो सबसे बेस्ट चीज है माँ बनना, क्योंकि माँ और जो भगवान गॉड से ही मतलब जो मुझे लगता है गॉड और भगवान दोनों भगवान की पूजा करते हैं, बट माँ का भी उसमें है क्योंकि दुनिया उन्होंने मतलब बनाई है पूरी उन्हीं से क्रिएट हुई है। और माँ का आपका बच्चा खुश हैप्पी है, हैप्पी के टाइम में तो नहीं, अगर आपका बच्चा सैड है जो मुझे लगता है वो आपके फील हो जाता है वो चीज़। ये मैंने पावर है, हाँ ये पावर है, मतलब मैंने अपनी माँ को भी देखा और मेरा भी शगुन से जो मतलब ये देखा रिलेशन वो मुझे ऐसे लगता है वो टेलीपैथी किसी रिलेशन में नहीं होता जो मुझे लगता है। राइट, तो मतलब कहने का ये है कि जो मॉम है वो एक बेस्ट क्रिएचर है इस वर्ल्ड के अंदर। हाँ। और इस चीज का मतलब यही एक अपने आप में बेस्ट चीज है, आई थिंक आप यही कहना चाहते हैं। राइट, माँ समझ सकती है, माँ सब जानती है, सब जानती है। तो वैसे तो हम एक फनी गेम खेल रहे थे, थोड़ा एंटरटेनिंग भी था लेकिन लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया और काफी अच्छे मैसेजेस भी दिए मिसेस बरखा ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ गेम खेल के। अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस इनके साथ जो हमने गेम प्ले किया ये बहुत पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में इनका नाम मेंशन करके इनको वोट कर सकते हो। बाय बाय बाय। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट पेयर से, मिसेस सोनाली और उनकी 17 ईयर ओल्ड डॉटर निधि। रूल्स मैंने सारे इनको बता दिए हैं और इनके आंसर्स भी इंस्टेंट होंगे जैसे कि हमारे गेम का रूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी निधि कि आपकी मम्मा का कौन सा वो फेवरेट डायलॉग है जो वो हमेशा आपको बोलती रहती है और कभी कभी आपको इरिटेटिंग लगता है कभी कभी आपको फनी लगता है? वो इंग्लिश डायलॉग है, हमेशा कहती है ओ बेबी डोंट ब्रेक माय हार्ट, से ज्यादा फनी और मुझे इतनी चिढ़ मचती है वो वाला डायलॉग सुन के। कभी कभी मैं डांट देती हूँ मम्मा को कि मम्मा मत बोलो ये वाला डायलॉग, जस्ट फेड अप हो जाती हूँ मैं सुन सुन के। ओके, और आपको ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आप फेड अप हो जाती है जब ये बोलती रहती है? हाँ, बहुत बार कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं इसके साथ शेयर करती हूँ, उसको कुछ अच्छी लगती है कुछ अच्छी नहीं लगती, तो जोर से बोलती है मम्मी मम्मी चुप मम्मी चुप, मुझे लगता है कि मेरा सेंटेंस तो पूरा सुना ही नहीं और मुझे चुप करा दिया। yes. माँ की एक चीज ऐसी बतानी जैसे कि वो कब कैसे भी मूड में हो और वो हैप्पी हो जाए अगर वैसा होता है, और एक ऐसी चीज बतानी है जैसे कि उनका मूड ऑफ हो जाए कोई भी करे, कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिससे उनका मूड ऑफ हो जाए।
सबसे पहले तो मेरी मम्मा और मेरे डैड दोनों ही सॉन्ग्स के सबसे बड़े दीवाने हैं, म्यूजिक लवर्स हैं, तो कभी भी गाने बजा दो उनका मूड हमेशा अपने आप ठीक हो जाता है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। और मेरी मम्मी का मूड ऑफ हो जाए अगर मैं ज्यादा डांट दूं कभी या कभी गलती से मैंने कुछ गलत कह दिया तो मम्मी का मूड ऑफ हो जाता है फिर। यानी कि कभी अगर ये मम्मी बन जाए मम्मी की तो मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, राइट? और आपने से कौन सी चीज नोटिस की जो इनको बहुत हैप्पी करती है और कोई चीज जिससे ये सैड हो जाए इनका मूड ऑफ हो जाए आपको लगता है? उसको सबसे ज्यादा इंग्लिश सॉन्ग पसंद है तो उसके सामने अगर मैंने इंग्लिश सॉन्ग लगा दिया तो बहुत खुश हो जाती है और अगर मैंने वो सॉन्ग बंद कर दिया तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। एक रीजन से दोनों आंसर्स हो गए, सो स्मार्ट मॉम चीज। मम्मा का बर्थ ईयर और बेटी का बर्थ ईयर 1973 2001। मम्मा ने फंबल किया। हाँ राइट, एक्चुअली इनकी दो बेटी हैं तो शायद छोटी बेटी का वो भूल गई है, पहली बेटी से थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट होता है आई थिंक, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपकी मॉम कभी फेमस हो गई तो वो किस चीज के लिए हो सकती है? फेमस आई डोंट नो, मे बी सिंगिंग एंड हर क्रिएटिवनेस। तो अगर आपको कोई चीज, आपको मौका मिले कि आपको जितने पैसे खर्च करने हैं फाइनेंस किए जाएंगे, आपको जो अपने लिए करना है आप कर सकती हैं, तो वो कौन सी चीज आप लेना चाहेंगी, कहीं जाना चाहेंगी, क्या उन पैसों से करना चाहेंगी अपने लिए? मेरे लिए खुद, यस, शॉपिंग। शॉपिंग क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है और नई नई चीजें खरीद के पहनना, जैसे कि ड्रेसेस, तो वैरायटी ऑफ ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद है। ओके, जैसे इमेजिन करो आप निधि हो तो आप अपनी मम्मा के लिए क्या करना चाहोगे जो ये निधि नहीं करती है? ये निधि तो मुझे बहुत परेशान करती है पर हाँ बहुत खुश भी बहुत रखती है और ध्यान भी बहुत रखती है। हाँ, पर मैं अगर निधि बनती हूँ तो मैं जैसे निधि मुझे परेशान करती है ऐसे मैं भी उसको एक दिन के लिए परेशान कर सकती हूँ। वेरी इनोवेटिव आंसर आई गेस। और अगर आप एक दिन के लिए मम्मा बनते हो तो आप क्या करोगे निधि के लिए? मेरी मम्मा मेरे लिए सब कुछ करती है इसलिए आई थिंक कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगी कि ये नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ये छुपा रही है, रियल नहीं करना चाह रही है क्योंकि एक दिन के बाद तो इन्हें अपनी मम्मा के साथ ही रहना है, तो आई थिंक इट्स ओके। दोनों से आधा आधा क्वेश्चन करूंगी। आपको दोनों में कौन सी चीज आपको लगती है कि डिफरेंट है? मम्मी मेरी बहुत ज्यादा बोल बोल करने वाली है और बहुत फनी नेचर की है एंड ऑफकोर्स नो डाउट वो अच्छी बात है, लेकिन वो जितना ज्यादा बोलती है उतना कम बोलती है। मतलब जो लोग मुझसे क्लोज है मुझसे बहुत बातें करती है उन लोग से, लेकिन जो लोग नहीं हुआ है तो मम्मी जल्दी मिल जाएगी, घर मिल जाएगी और मेरा ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप दोनों के बीच में आपको क्या लगता है कि कोई चीज एकदम सिमिलर है, एकदम आपके अंदर भी है और इनके अंदर भी वो चीज है? मेकअप करना, जब भी हम बाहर जाते हैं तो दोनों एक दूसरे का मेकअप बराबर ध्यान रखते हैं, वो मेरा मेकअप कर देती है। right. ना चाहते हुए भी मैं सोचती हूँ कि नहीं बेटा मुझे नहीं करना है, पर वो जबरदस्ती से मुझे अच्छे से रेडी कर देती है कि और आपको अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है कि शौक है और वो मेरा बरकरार रहेगा शायद ये बच्चों की वजह से। राइट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको अपनी मम्मी पे किस चीज का एट प्रेजेंट अगर बात करें तो प्राउड किस बात पे है? प्राउड इस बात का है कि वो मुझे किसी भी चीज के लिए कभी प्रेशराइज नहीं करती, कभी भी नहीं, पढ़ने के लिए कि निधि पढ़ पढ़ पढ़, अगर छोटा सा ब्रेक ले लो तो वो बोलेगी ठीक है कि काफी टाइम से पढ़ रही है, तो प्रेशराइज नहीं करती, मीन सपोर्टिव है। या बहुत सपोर्टिव है एंड बहुत पॉजिटिव है। आपको दो चीजें बता दी है, एक बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग मॉम और एक हार्डेस्ट थिंग। हार्डेस्ट थिंग तो आपको बेस्ट थिंग तो ये है कि एज अ मॉम ऑफ टू डॉटर्स, आई हैव टू डॉटर्स, तो मुझे जो आजकल की दुनिया में सब कुछ चल रहा है, जब बच्चे बाहर जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा टेंशन होता है, ज्यादा नहीं होता है, उसके बारे में मैं बच्चों को हमेशा समझाते रहती हूँ। जैसे कि मेरी बड़ी बेटी 23 इयर्स की है, वो बाहर है तो वो काफी समझदार है, तो वो और मुझे एक चीज उसमें भी बहुत अच्छी लगती है कि वो ही अभी निधि को गाइड करती है, तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और जो मैं हार्डेस्ट थिंग तो मेरी यही है कि मुझे थोड़ा हल्का सा टेंशन होता है बच्चे जब बाहर जाते हैं तब, बाकी तो मैं बहुत खुश हूँ कि और लकी भी हूँ कि मेरी दोनों बेटियां हैं और मुझे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो थोड़ी सी इमोशनल हो रही है एक्चुअली, ये क्वेश्चन ही शायद ऐसा है लेकिन बहुत सारे लोगों को जानने की इच्छा होती है और मुझे पर्सनली बहुत जानने की इच्छा होती है हर किसी की एक्सपीरियंस है कि क्या वो चीज है जो वो मदर फील करती है कि वो उसके पास बेस्ट है बीइंग अ मॉम, और क्या वो चीज है जो उनको मॉम होते हुए करनी पड़ती है। लाइक आजकल के समय है उसमें इतने सारे थ्रेट्स हैं, सेफ्टी थ्रेट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं,
तो बीइंग अ मॉम हर किसी को लगता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब बच्चे दूर जाते हैं तो हर मॉम को टेंशन तो होती है कि बच्चा दूर है तो सेफ रहे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, तो ये सारे कंसर्न्स रहते हैं और यही एक माँ की खास बात मुझे भी लगती है। आई थिंक आप लोगों को भी इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी होगी, मुझे काफी मजा आया, काफी चीजें सीखने को भी मिली। तो अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस पसंद आई तो सुना लीजिए और निधि को वोट कीजिए अगर आप उनको जिताना चाहते हैं। प्लीज 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 वोट फॉर अस, वोट फॉर देम, बाय। तो गाइज ये था मेरा आज का मदर्स डे स्पेशल वीडियो, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा और आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कीजिए उनका कमेंट सेक्शन में नाम लिखकर। किसी भी कंटेस्टेंट का नाम अगर आप भूल गए हैं तो सारे कंटेस्टेंट के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं वोट करने से पहले। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं अनाउंस करूंगी विनर का नाम और वो होगा मदर्स डे पे। तो कब है मदर्स डे अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।